हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम 8th क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज 11.1 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट्स, मिसेस कौशिक हैज अ स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर। यहाँ पर आपको जो डायग्राम दिया गया है, इसमें ये एक स्क्वायर प्लॉट है जो बाहर की तरफ आपको नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पर इसकी चारों साइड्स कितनी होंगी, 25 मीटर 25 मीटर, बाकी दो साइड्स भी 25 मीटर ही होंगी। शी वॉन्ट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट, और यहाँ पर वो इस प्लॉट के बीच में एक घर बनाना चाहते हैं। ये घर कौन सी शेप में है, ये रेक्टेंगुलर शेप में है। देखिये इसकी लेंथ 20 मीटर है और ब्रेथ 15 मीटर है, इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ अलग अलग है, तो ये रेक्टेंगल शेप हो गई। अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस, और इस प्लॉट के बीच में जब घर बनाया जाएगा तो इस घर के चारों तरफ क्या बन जाएगा, एक गार्डन बनाया जाएगा यहाँ पर एक, ठीक है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ ₹55 पर मीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमें यह कहा गया है कि हमें टोटल कॉस्ट पता करनी है ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन, गार्डन बनाने की अराउंड द हाउस, घर के चारों तरफ, एट द रेट ऑफ ₹55 पर मीटर स्क्वायर। अगर एक मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर यानी कि 1 मीटर स्क्वायर, अगर पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ₹55 है तो गार्डन बनाने की टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। तो स्टूडेंट्स इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम गार्डन का एरिया निकालेंगे और उसको 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर एक चॉकलेट की कॉस्ट ₹10 है तो 5 चॉकलेट की कॉस्ट कितनी होती है, 10 × 5। अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ₹55 है तो जितना भी एरिया आएगा उसको 55 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर निकालेंगे। देखिए हमें मेन क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है गार्डन का। गार्डन का एरिया कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, अगर हम इस स्क्वायर का एरिया, ये जो बाहर की तरफ स्क्वायर प्लॉट है, इसका एरिया पता कर लें और फिर हाउस का एरिया पता कर लें। अगर हम इस स्क्वायर में से ये हाउस का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें ये गार्डन का एरिया मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमने स्क्वायर का एरिया पता किया जो बाहर की तरफ है घर के चारों तरफ। एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो साइड कितनी गिवन थी हमें, साइड स्क्वायर की थी, जो स्क्वायर प्लॉट था वो थी 25 मीटर। तो साइड इंटू साइड यानी 25 इंटू 25 कितना आ गया, 625 मीटर स्क्वायर। उसके बाद हम एरिया निकालेंगे इस हाउस का जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है। फिर हमने लिखा एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहां पर देखिएगा आपको लेंथ कितनी गिवन है 20 और ब्रेथ कितनी गिवन है 15 मीटर। तो 20 इंटू 15 किया 300 मीटर स्क्वायर। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ द गार्डन। तो एरिया ऑफ गार्डन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो बाहर की तरफ बड़ा प्लॉट है वो निकालेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, और इनर रेक्टेंगल किसका एरिया, वो जो घर बीच में बनाया गया है। तो एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर जो कितना आया था 625 माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल यानी के 300। 625 में से 300 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स एरिया ऑफ द गार्डन आपको मिल जाएगा 325 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन हमें पता करना है कि गार्डन बनाने की कितनी कॉस्ट लगेगी। तो कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन एट द रेट ऑफ ₹55 पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर अगर ₹55 कॉस्ट आती है तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी गार्डन बनाने के, जितना भी एरिया गार्डन का आया है स्टूडेंट्स, जो कितना आया था 325 मीटर स्क्वायर, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 55 से और हमें टोटल कॉस्ट मिलेगी 17,875 रुपीज। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।